बड़ी खबर क्यों रुख करते हैं भोपाल से, आपको बता दें भाजपा में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। कमलनाथ के साथ कई विधायकों के जाने की चर्चा, अब तक 13 विधायकों के नाम की चर्चा, 3 महापौर भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस का साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर, जहां 3 महापौर भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस का साथ, भाजपा में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। कमलनाथ के साथ आपको बता दें कई कांग्रेस के बड़े नेता भी यहां पर कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। बड़ी खबर है, अटकलें लगातार तेज है कांग्रेस में, कांग्रेस से यहां पर जाने को। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगातार तेज हैं। ऐसी संभावना है कि दोनों नेता आज यानी रविवार को पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 महापौर भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं उनके साथ। बड़ी खबर है भाजपा में शामिल होंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ के साथ कई विधायकों के जाने की भी अब चर्चा हो रही है, तो बता दें 13 विधायकों के नाम भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। साहब सिंह ग्वालियर ग्रामीण से विधायक हैं, आपको बता दें दिनेश गुर्जर मुरैना से विधायक हैं, यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ से विधायक हैं, आपको बता दें 13 विधायक हैं जिनमें अनुभा मुंजारे भी बालाघाट से विधायक हैं जो इनके खेमे से आती हैं, मधु भगत परसवाड़ा से आती हैं विधायक, आपको बता दें संजय उइके बैहर से विधायक हैं, साथ ही सुनील उइके की बात करें तो जुन्नार देव से वो विधायक हैं, लखन घनघोरिया की बात करें तो जबलपुर से वो आते हैं, कमलेश प्रताप शाह की बात करें तो अमरवाड़ा से आते हैं, विजय रेवनाथ चौरे की बात करें तो सौसर से आते हैं, सोहन लाल वाल्मीकि की बात करें तो परासिया से आते हैं, नीलेश उइके की बात करें तो वो पांडुर्णा से आते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, कल से लगातार यहां पर कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं और अब ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही कि उनके साथ कई विधायक और महापौर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए बिल्कुल, जो बड़ा अपडेट है वो यही है दिल्ली से, क्योंकि इस संदर्भ में अलग अलग चरणों की चर्चा हो चुकी है। कमलनाथ की हम बात करें तो चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह होंगे या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके अनुसार लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं जो इस समय कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है कमलनाथ के साथ में। सांसदों के संदर्भ में बहुत स्थिति स्पष्ट है, वो नकुलनाथ है ही जो कांग्रेस छोड़ेंगे, और जो जिन संदर्भों में बात आ रही है उसमें छिंदवाड़ा के 7 विधायक जो कमलनाथ के कोर सपोर्टर्स माने जाते हैं वो तो हैं ही। इसके अलावा बताया जा रहा है ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 2 विधायक और 2 महापौर हैं, छिंदवाड़ा के महापौर हैं, बालाघाट जिले से 2 से 3 विधायकों का नाम इसमें सामने आ रहा है, जबलपुर से 1 एमएलए हैं और सिवनी के 1 एमएलए का नाम सामने आ रहा है। तो इस तरह से हम देखें तो 12 से 14 विधायकों की संख्या होती है, 3 महापौर होते हैं, तो एक बहुत बड़ा झटका। अगर हम देखें मेयर के मामले में तो लगभग अब जो मेयर हैं वो अब बचेंगे ही नहीं, कांग्रेस के पास में सारे की सारे जो हैं वो जा रहे हैं, अगर विंध को छोड़ देते हैं, सिर्फ विंध में जो है रीवा के अलावा, तो परिस्थितियां जिस तरह की बन रही है उसमें निश्चित रूप से जो है अब एक और बहुत ही बड़ा झटका, ये राष्ट्रीय स्तर का बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए जो भारतीय जनता पार्टी आज दे सकती है। जी अनुराग, आपसे ये भी चीज जानना चाहेंगे कि क्या इसकी तैयारी बहुत दिनों पहले चल रही थी, क्या अपने खेमे के जितने भी विधायक हैं उनसे कमलनाथ बात कर चुके थे, जितने भी महापौर हैं अपने खेमे के क्या उनसे भी उनकी बातचीत हो चुकी थी ये सबको लेकर? देखिए सारा सब कुछ जो घटनाक्रम है वो राज्यसभा चुनाव के दौरान का रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे स्थितियों को तो वो जिस तरह की रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रही है कि राज्यसभा चुनाव के समय तक के बीच में जो घटनाक्रम हुए उसमें कहीं ना कहीं पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी की ताजपोशी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष में उमंग सिंगार की ताजपोशी, और उसके ठीक पहले विधानसभा चुनाव में टिकटों का मामला और रणदीप सुरजेवाला का मध्य प्रदेश में चुनाव के समय पे कमांड संभालना, इन सबसे तो कमलनाथ नाराज चल ही रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा नाराजगी तब हुई जब राज्यसभा के लिए अशोक सिंह का नाम सामने किया गया, और अशोक सिंह का नाम जैसे ही सामने किया गया ये स्थितियां बहुत ज्यादा
कहीं ना कहीं कमलनाथ को ठीक नहीं लगी, और उसके बाद कमलनाथ क्योंकि पहले से लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में इसलिए रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनके व्यक्तिगत संबंध बाकी मध्य प्रदेश के नेताओं की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर है, किसी भी पार्टी के नेताओं की बात करें कॉरपोरेट सेक्टर की, तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिशें जारी थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद कमलनाथ खुद फैसला लेने की स्थिति में आ गए और अब लगभग ये अंतिम निर्णय पे पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।